हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पास इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 12 हिंदी मीडियम। अपना सेकंड अनुसंख्यक गुणधर्म था क्वथनांक में उन्नयन। क्या थे? क्वथनांक में उन्नयन की बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वथनांक क्या होता है सर? क्वथनांक कि सर वह निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वथनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वथनांक। क्या कहा कि सर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके वायुमंडलीय वाष्प दाब के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं अपन लोग? क्वथनांक कहते हैं। चलिए अब अपन क्या करते हैं कि किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय को बोलते हैं। क्या कहते हैं? विलायक में अवाष्पशील विलेय को जब बोला जाता है तो क्या होता है कि सर उसका जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय वाष्प दाब के जब बराबर करने के लिए और अधिक तापमान की जरूरत है, यानी उसको वाष्प दाब को जब अवाष्प, क्योंकि उसका वाष्प क्या हो गई, घट गई, अवाष्पशील विलेय मिलाने पे क्या हो गई, वाष्प घट गई। तो कहा कि सर अवाष्पशील विलेय को मिलाने पर उसके वाष्प दाब को वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर ले जाने के लिए, यानी क्वथनांक तक ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और तापमान देना पड़ेगा। तो तापमान में आई ये वृद्धि क्या कहलाती है? क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। क्या कहलाती है? तापमान में आई ये वृद्धि क्या कहलाती है? क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। तो आज अपन बात करेंगे क्वथनांक में उन्नयन और मोलर द्रव्यमान और विलेय के मोलर द्रव्यमान के बीच में रिलेशन से रिलेटेड बात करेंगे। तो देखेंगे अपन लोग, यहाँ पे अपन ने बात कर ली, तो यहाँ से हम ये कहते हैं कि सर अगर मैं क्या कहूँ, डेल टी जो होता है वो क्या है, डेल टी बराबर क्या होगा कि सर विलेय टी माइनस टीबी, अपन यो कह सकते हैं, यहां ये कहेंगे टीबी माइनस टीबी नॉट कहते, चलो टीबी माइनस टीबी नॉट, ये क्या है विलेय का क्वथनांक और ये क्या है शुद्ध विलायक का क्वथनांक। यहां मैं लिख देता हूं टीबी बराबर विलेय का क्वथनांक और टीबी नॉट बराबर क्या हो गया विलायक का क्वथनांक का क्वथनांक। ठीक है सर, यहां से अपन लोग ये चीज देखते हैं। अब अपन देखो एक ग्राफ को देखेंगे, तो यहां से देखिए ग्राफ को अगर अपन देखें तो ये क्या कहता है, देखिए ये विलायक का है विलेय का, अगर मैं वाष्प दाब और तापमान के मध्य ग्राफ खींचता हूं तो मुझे क्या मिलेगा कि सर विलायक का जो है वो कम एटमोस्फेयर पहुंचने पर देखो दाब कम है, तो यहाँ पे क्या दाब, जब तापमान बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा, तो विलेय का दाब, तो अपन यहाँ यो कह सकते हैं कि सर अगर मैं क्वथनांक बढ़ाता हूं या वाष्प दाब बढ़ाता हूं, प्रेशर बढ़ाता हूं, तो क्वथनांक भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है सर, तो यहां से अपने पास आया कि सर डेल टीबी बराबर क्या हो जाएगा टीबी माइनस टीबी नॉट, और यहाँ पे क्या आएगा डेल टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल पी। अब अपन बात करते हैं, देखेंगे राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट का नियम क्या कहता है आप लोगों को कुछ पता है कि सर डेल टीबी इज डायरेक्टली प्रपोजल टू, या डेल पी इज डायरेक्टली प्रपोजल टू एक्स बी, लगाया गया प्रेशर एक्स बी के बराबर है, और यहां से अब भी हम कहेंगे कि सर डेल टीबी इज डायरेक्टली प्रपोजल टू एक्स बी, दोनों बात दोनों क्या है मोलर्स के बराबर ही है। ठीक है सर, तो इसका इसी से आधार पर क्या क्या सर दोनों अगर मोल अंश के बराबर है तो डेल टी बी डायरेक्टली प्रपोजल टू डेल पी, यहां से अपनी बात हो चुकी है। चलिए यहां पर बात करेंगे कि सर अगर मैं यहां से आता हूं डेल टी बी बराबर क्या आ जाएगा के एक्स बी, के क्या आया है यहां पर समानुपाती स्थिरांक, अब अपन यहां पे वैल्यू रखते हैं डेल टी बी बराबर के को एज इट इज रखे एक्स बी की वैल्यू रख दूं मैं, क्या आ जाएगा बी के मोल अंश, तो क्या लिखेंगे अपन एन बी अपॉन, कल लिखा था अपन एन ए प्लस एन बी, अब मैं यहां लिखता हूं अति तनु विलयन के लिए क्या हो जाएगा एन बी इज वेरी 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 लेस देन एन ए, तो क्या आ जाएगा डेल टी बी बराबर के डॉट एन बी अपॉन एन ए, अब वैल्यू लगा दे एन बी एन बी की, तो डेल टी बी बराबर के गुणा क्या आ जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी बटा डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, चलो पलट दो तो डेल टी बी बराबर के डॉट क्या आ जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी गुणा एम ए अपॉन डब्ल्यू ए, अब एम ए को मैं थोड़ा सा बाहर लेता हूं, चलिए यहां ऊपर लिखता हूं मैं, देखिएगा यहां लिख रहा हूं मैं, इसको इरेज कर रहा हूं,
यहां से लिखते हैं देखो, तो अपन यहां क्या करते हैं देखेंगे, अपने पास फॉर्मूला क्या बनता है कि सर डेल टीबी बराबर क्या हो जाएगा के डॉट, अपन एम ए को बाहर लेते हैं एम ए है ना, पीछे क्या बचा कि सर विलेय का भार बटा विलेय का अनुभार इंटू विलायक का आयतन, ये क्या होता है मोलरता होती है, क्या होती है, और इस गुणांक और एम ए, तो यहां लिखूंगा मैं यह जहां के डॉट एम ए की जगह हमने क्या कर दिया एक नए गुणांक के बी को उत्पन्न कर लिया, और वही जो है ये पूरी चीज क्या है और ये क्या होती है मोलरता डब्ल्यू बी अपॉन एम बी गुणा डब्ल्यू ए, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा डेल टी बी बराबर इसकी जगह क्या आया नया एक स्थिरांक आ गया के बी गुणा ये पूरे क्या है मोलरता, ये रिलेशन आया क्वथनांक में उन्नयन के बी गुणा एम, के बी क्या है यहां पर, यहां के बी कहलाता है मोलर क्वथनांक स्थिरांक, क्या कहलाता है के बी मोलर उन्नयन स्थिरांक, क्या कहलाता है मोलर उन्नयन स्थिरांक, इस चीज को आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कीजिए, फिर मैं आगे के बारे में चर्चा करूंगा बात कर। अभी देखते हैं अपन क्वथनांक में उन्नयन और अवास्तविक विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध, यानी इसी के आगे का डेरिवेशन, अपने पास क्या आया डेल टी बी बराबर क्या आया के बी डॉट स्मॉल एम, एम क्या है मोलरिटी या मोलरता, मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है आपको भी पता है क्या होता है सर, कि सर डब्ल्यू बी अपॉन एम बी गुणा डब्ल्यू ए और ऊपर क्या आता है 1000, ये मोलरता का आ गया, चलो मोलरता जगह मोलरता का फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या आ जाएगा डेल टी बी बराबर के बी गुणा क्या आ गया एम की जगह डब्ल्यू बी अपॉन एम बी गुणा डब्ल्यू ए और ऊपर आ जाएगा 1000, अपने को ये निकालना है, ये निकालना इसका क्या कर दो पक्षांतरण कर दो ये चीज इधर आ जाएगी, तो अपने को क्या चाहिए विलेय का मोलर द्रव्यमान बराबर के बी बटा डेल टी बी गुणा डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए और ऊपर क्या आ जाएगा 1000, ये एक रिश्ता है किसका क्वथनांक में उन्नयन और अवास्तविक विलेय के मोलर द्रव्यमान, आपके जितने भी आंकी प्रश्न पूछे जाएंगे वो यहां से हल होंगे, ये याद रखिए जितने भी आंकी प्रश्न है वो यहां से हल हो जाएंगे, ठीक है सर। चलिए एक और फॉर्मूले की बात करते हैं जहां से पूछा जाता है कि सर बॉन्टहॉफ के अनुसार, बॉन्टहॉफ के अनुसार जो आपका के बी और विलायक की गुप्त ऊष्मा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के मध्य संबंध पूछा जाता है, तो कहा सर के बी बराबर एम ए आर टी बी स्क्वायर अपॉन डेल एच वाष्पीकरण इंटू 100, ठीक है सर, ए का मोल ए क्या है, ए है विलायक का मोलर द्रव्यमान, आर गैस कांस्टेंट, टी बी क्या है क्वथनांक में उन्नयन का स्थिरांक, डेल एच वाष्पीकरण की जो है वो गुप्त ऊष्मा और 1000, ये जो है रिश्ता, ये तो यहां पर अपना जो है क्वथनांक में उन्नयन जो कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कराऊंगा और आगे बढ़ेंगे, इसको नोट कीजिएगा, थैंक यू।